हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। दांपति रात को अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहे थे। सोते हुए पत्नी ने पति को पूछ लिया, अगर मैं तुम्हारे मरने से पहले मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? थोड़ी देर सोचने के बाद पत्नी ने कहा, उसके बाद मैं एक ऐसा घर देखूंगी जिसमें और भी दो तीन विधवा औरतें रहती हो, जो उम्र में मुझसे छोटी हो, जो मेरे छोटे मोटे काम कर ले। फिर पत्नी ने अपने पति को पूछ लिया, अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? पति ने कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा जैसा तुम करोगी। अलग अलग महिलाएं अपने पतियों से लड़ रही थी। पायलट की पत्नी, ज्यादा उड़ो मत समझे। मास्टर के पत्नी, मुझे मत सिखाओ, ये आपका स्कूल नहीं है। डेंटिस्ट की पत्नी, दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। डॉक्टर की पत्नी, तबीयत तंदुरुस्त कर दूंगी। एमबीए की पत्नी, अपने काम से काम रखो। इंजीनियर की पत्नी, ज्यादा करंट मत मारो। चार्टर्ड अकाउंट की पत्नी, पहले पास तो हो लो फिर बात करना बुड्ढे। एक महिला अपने बीमार पति को लेकर डॉक्टर के पास गई। महिला के पति की जांच के बाद डॉक्टर ने उस महिला को अपने ऑफिस में अकेले बुलाया। डॉक्टर ने कहा, आपके पति एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, दूसरा उन्हें अत्यंत दबाव है। अगर आपने वो सब नहीं किया जो मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपके पति निश्चित तौर पर मर जाएंगे। हर सुबह उन्हें स्वास्थ्य वर्धक नाश्ता देना होगा। उन्हें हमेशा खुश रखना और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके आसपास का माहौल हमेशा अच्छा रहे। लंच में उन्हें पौष्टिक आहार भोजन करवाएं और डिनर में उन्हें विशेष प्रकार का भोजन करवाएं। उनसे किसी प्रकार का काम ना करवाएं जिससे उनके आराम में कोई फर्क पड़े। अपनी किसी भी समस्या को उनके सामने ना ले जाएं, इससे उनका मानसिक दबाव बढ़ जाएगा। उनकी हर एक इच्छा को पूरा करने की कोशिश करना। अगर आप लगातार इस तरह अगले 8-10 महीने या एक साल तक करेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पति पहले की तरह बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर ने अब आप जाइए। घर जाते हुए रास्ते में पति ने पूछा कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा? पत्नी ने झट से कहा, मरने वाले हैं। एक बुजुर्ग अपना 100वां जन्मदिन मना रहा था। सभी लोग उसके कसरती और तंदुरुस्त शरीर की प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक आदमी ने पूछ लिया कि आपकी फिटनेस का क्या राज है? बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं आपको अपने फिटनेस का राज बताता हूँ, सुनिए। बुजुर्ग जी, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी और मुझे शादी किए हुए 75 साल हो गए। जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक प्रण लिया था कि जब भी हमारे बीच झगड़ा होगा, अगर ये प्रमाणित हो जाए कि किसकी वजह से झगड़ा हुआ है, उसे बाहर आकर खुली हवा में काफी देर तक सैर करनी पड़ेगी। आदमी तो उससे आपकी तंदुरुस्ती का क्या रिश्ता? बुजुर्ग बस जनाब, उसके बाद से 75 साल हो गए, मैं रोज रात को खुली हवा में सैर कर रहा हूँ। गाँव में एक स्त्री थी, उसके पति ITI में कार्यरत थे। वह अपने पति को पत्र लिखना चाहती थी, पर अल्प शिक्षित होने के कारण उसे यह पता नहीं था कि पूर्ण विराम फुल स्टॉप कहाँ लगेगा। इसलिए उसका जहाँ मन करता था वहीं पूर्ण विराम लगा देती थी। तो एक बार उसने अपने पति को कुछ इस प्रकार चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है, हमारी गाय को बछड़ा दिया है, दादाजी ने शराब की लत लगा ली है। मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए, कुत्ते के बच्चे भेड़िया खा गए। 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना। एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है। हमारी बकरी बेच दी गई है, तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद कर रही है। एक पड़ोसन हमें बहुत तंग करती है, तुम्हारी चंदा। एक नव विवाहित पत्नी ने काम से घर आए पति को कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बहुत जल्द ही हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पत्नी गले लगा लिया। अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी हूँ, मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है, पत्नी ने कहा। एक नव विवाहित जोड़ा शादी के बाद रहने के लिए शहर में आए। वहाँ उन्होंने एक कमरा लिया और नए पड़ोसियों के साथ रहने लगे। एक सुबह महिला ने देखा कि उनकी पड़ोसन ने कपड़े धोकर बाहर सुखाने के लिए डाले हैं। उसने कपड़ों की तरफ देखा और कहा, ता है इसे कपड़े साफ करना नहीं आते, देखो कितने गंदे रखे हैं। उसे कपड़े धोने का अच्छा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पति ने भी देखा और उस वक्त
चुप ही रहा। इसके बाद लगातार 2-3 सप्ताह तक वह महिला उसी प्रकार उस महिला के बारे में बोलती रही। फिर एक महीना बाद एक सुबह जब महिला ने देखा कि हैरानी के साथ अपने पति से कहने लगी, देखो लगता है आज इसने अच्छे साबुन का इस्तेमाल किया है और अब इसे कपड़े धोने भी आ गए हैं। मुझे हैरानी है कि इसे ये सब किसने सिखाया होगा। उसके पति ने कहा, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने अपने कमरे की खिड़कियां साफ की है। नो, 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 नो। पत्नी, तुम हमेशा मेरी फोटो अपने साथ रखते हो और ऑफिस भी साथ में ही ले जाते हो, क्यों? पति, जब भी कोई समस्या आती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मैं तुम्हारी फोटो देख लेता हूँ और समस्या गायब हो जाती है। पत्नी, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी चमत्कारी और भाग्यशाली हूँ। पति, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी फोटो को देखता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि क्या इससे भी बड़ी कोई समस्या हो सकती है। नो, 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 नो। एक सेल्समैन घर घर जाकर किताबें बेचने का काम करता था। उसने एक घर की डोरबेल बजाई तो एक महिला ने दरवाजा खोला। सेल्समैन, मैडम मेरे पास एक किताब है जिसमें पतियों के रात देर तक बाहर रहने के 500 बहाने बताए गए हैं, क्या आप इसे खरीदना चाहेगी? महिला, आपको क्या लगता है कि मैं इस किताब को क्यों खरीदूं? सेल्समैन, क्योंकि आज सुबह ही मैंने इस किताब की एक प्रति आपके पति को बेची है। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी, जी हाँ। अंदर से फिर आवाज आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाई है। इसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा आदमी, जी हाँ मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। अंदर से आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, बेवकूफों के लिए जगह नहीं है। एक नवविवाहित जोड़ा दोपहर को अपने घर में सो रहा था। जागने पर पत्नी ने अपने पति से कहा, जानते हो अभी अभी मैंने क्या सपना देखा? पति, क्या? पत्नी, मैंने देखा कि तुम मेरे लिए नया सोने का हार लेकर आए हो, इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? पति, यह तुम आज रात को जान जाओगी। रात को जब पति घर लौटा तो उसके हाथ में एक पैकेट था जो उसने अपनी पत्नी को दिया। मन ही मन खुश होते हुए जब पत्नी ने उस पैकेट को खोला तो उसमें एक पुस्तक निकली जिसका नाम था 1001 सपनों के अर्थ। जोक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नए जोक में, तब तक हंसते रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे।